म्यूजिक। जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आज सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। और चलिए मैं यहाँ पे देख लीजिए मेरा एलाइट मोशन है, इसको मैं करता हूँ ओपन, ठीक है। ओपन यहाँ से मैं कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। ये ओपन हो चुका। ओपन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्लस के मार्क पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उस प्रकार का बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही मस्त तरीक़ों से आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 16:9 में यहाँ पर रखना है, और यहाँ पे ब्लैक ही यहाँ पे बैकग्राउंड में सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देन इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है, जो कि यहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं आता है क्या है क्या नहीं, बट आपको कुछ भी यहाँ पे मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ प्लस के मार्क पर आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। अगर आप लोग न्यू होंगे मतलब एलाइट मोशन से, तो आपको ध्यान से देखने बहुत ही अच्छे तरीक़ों से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला में एक मीडिया का ऑप्शन आता है, तो मीडिया वाला पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए दो फोटो है, मैं दो फोटो को यहाँ पे लगाऊंगा। तो गाइज इस फोटो को आप लोग चाहते हैं कि यूज करना अपने वीडियो में, तो यार डाउनलोड कर लेना, ये सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को आप मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आ गया फोटो, और इस फोटो को आप चाहें तो इस तरीके से पकड़ के भी कर सकते हैं, या देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट वाला पे ही रहने देना है, और चाहे तो मतलब इस प्रकार से आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये मेरा पहला फोटो हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे देन मीडिया में आएंगे, फिर यहाँ पे सेकेंड वाला लेंगे, और इसको करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके और ये फर्स्ट वाला पर रहेगा तो आप मूविंग यहाँ से कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो मैं चलिए मैं इतने पर मान लीजिए कि रख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी फोटो पर आपको पहले क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि मैं ये वाला करता हूँ, और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करके देन एड इफेक्ट पर आ जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है RGB आपको सर्च कर लेना है। देन ये वाला आपको ये जो मिल रहा है ना चैनल रिमैप RGB, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ये बी वाला में आप लोग को आ जाना है, और यहाँ पे बी पे है तो इसको जी पे कर देना है, सिंपल से जी पे हो गया। और यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, फिर से इसी वाले फोटो पे क्लिक करके देन इफेक्ट पे आते हैं, और एड इफेक्ट पे आकर यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्राइटनेस BRIT, इतना सर्च करेंगे तो आ जाता है यार, सॉरी ये है ब्राइटनेस, ठीक है, BRIGHT होता है, सॉरी। और इस पर आप क्लिक करके इसका भी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन, देन यहाँ पे आप क्लिक करके और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा फोकस, देखिए मतलब रेड में बहुत ही मतलब अच्छा यहाँ पे फेस दिखने लगा, ठीक है। और इसी वाले फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट वाले पर आ जाना है, और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस फोटो में दो इफेक्ट को किया हूँ ऐड, तो बारी बारी से नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप कॉपी कर लेना है। देन इस वाले फ़ोटो में आपको आकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, थ्री डॉट पर आकर यहाँ से पेस्ट कर देंगे, तो ये भी फ़ोटो का कलर चेंज हो चुका है फाइनली, ठीक है। ये तो हो गया, अब ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस के मार्क पर आ जाना है, देन मीडिया पर आ जाना है, और ये वाले को आपको ये एक आपको क्या बोल सकते हैं टेम्पलेट इमेज ही बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा यार, ठीक है, मेरा यहीं गुजारिश रहेगा। और यहाँ पे देखिए इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, देन एड इफेक्ट पे आएंगे, और यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन देखिए मिल जाता है, नहीं मिलता होगा तो आप सर्च भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा यहीं पर है, तो फाइनली इसको मैं स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन करूँगा। देन यहाँ पर आपको ये जो आपको की कलर है इस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर आपको ब्लैक वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका आरी पूरा हट जाता है, ठीक है, ये हटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो लग रहा है मुझे कि मतलब ये मतलब ज़्यादा ही अंदर है, तो इसको करना पड़ेगा इधर, तो इस तरह भी कर सकते हैं पकड़ के, और जो तरीका मैंने बताया था उधर वैसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह से कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया फाइनली, ये तो हो गया, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे यार अपने हिसाब से, हाँ ये हो गया। अब हो जाने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो को लाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं वीडियो को लाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके मीडिया में आ जाना है, और मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ, ये वाला वीडियो है मेरा, देख लीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो पे क्लिक कर देना है, कुछ यहाँ पे प्रोसेस होता है जो कि मैं बताऊँगा। और यहाँ पे आपको ये थर्ड वाले पे क्लिक करके, और यहाँ पे दाहिने से ये थर्ड वाला करेंगे, और इसको इस तरह करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, और इसको आप फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, ठीक है, फुल में इस तरीके से मतलब फुल आपको कर लेना है, फुल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए ही। अब ये तो हो गया, फिर से वीडियो पे क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, देन ऐड इफेक्ट पे, फिर से ये RGB वाला जो मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे आ जाता है, तो
क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करेंगे और इसका देखिए बी वाले में ही आपको यहाँ पे वाई पे रख लेना है, ठीक है। ये जो आपका बी है तो इसको वाई पे कर लीजिएगा। देखिए बी पे कुछ ऐसा है, वाई पे करेंगे तो ये थोड़ा सा रेड टाइप का हो चुका है फाइनली, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से ये भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे तो रख लीजिएगा। ये मेरा वाई ही आपका, मतलब मेरा सजेशन है कि वाई रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लास्ट में आ जाना है। जितने सेकंड का आपका बनाना है, मेरा 29 सेकंड का है, और बाकी जितने मटेरियल है ना तो यहाँ पे मटेरियल पर क्लिक कर देना होता है। देन ये वाला करेंगे तो फुल मतलब यहाँ पे आ जाता है, फिर से यहाँ पे करेंगे तो ये फोटो भी पूरा लंबा हो जाता है, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये भी फोटो यहाँ पे पूरा ये चारों ठो यहाँ पे 29 सेकंड का लंबा लंबा होकर आ गया, ठीक है। मेरा यही करने का मतलब है। अब क्या करना है कि इस वाले को ये जो क्या बोलते हैं यार, पेपर है ना, पीएनजी पेपर, इसको ऊपर लेकर आ जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखिए ये पीएनजी पेपर और वीडियो को क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे ऊपर के साइड में ये बीच वाले पे आपको क्लिक कर देना है। बीच वाले करेंगे तो ये देखिए कुछ मस्त चलने लगा, बट आपका प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होता है गाइस। अब देखिए यहाँ पे प्लस के मार्क पे जाएंगे, देन मीडिया में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये वाला एक आपको क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ये जो है पीएनजी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम अब, और यहाँ पे आप कर देते हैं इतने पे कुछ, ठीक है। इतने पे मतलब ये रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है, रोटेट करना है आपको। अब यहाँ पे इसी पे क्लिक करके आपको आ जाना है इफेक्ट में, और एड इफेक्ट, और यहाँ पे क्रोमा की में, ओ यार आरजीबी में आ गया, सॉरी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाएंगे क्रोमा की में, क्रोमा की में आएंगे, और यहाँ पे है आपका रेड सॉरी ग्रीन, यहाँ पे आपको कर देना है वाइट, वाइट कर दिए। और इस वाले को चाहें तो आप इस तरीक़ों से भी कर सकते हैं, और ये इतने पर हो गया। बट यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा उस तरीके से हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आ जाएंगे रोटेट पे, तो इसको थोड़ा जैसे घुमाएंगे ना ये घूमता है, देख लीजिए। मैं इतने पर रखना चाहता हूँ यार, इतने पे लगभग, मैं इतने पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं, पहले बताएं आपको। और इसको क्या करना है कि इसको मतलब क्लिक करके आ जाना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे ये करेंगे ये हो जाता है फुल। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये मतलब इसका एक डुप्लीकेट लेना है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपल से लेकर आ जाना है और यहाँ पे लगा देना है। ये भी अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आकर अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना है थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया, तो ऐसे ही आपको कर लेना है। और यहाँ पर आपको टेम्पलेट भी कर लेना है एड, यहाँ पर आपको क्लिक करके देन यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टेम्पलेट को लगा लेना है, ठीक है। और टेम्पलेट का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा गाइज, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। यार इस वाले में नहीं है, टेम्पलेट में लगा ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। और टेम्पलेट लगाने के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको ये वाला क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले पे क्लिक करके यहाँ पे लाइटन पे आकर यहाँ पे कर देना आपको स्क्रीन, और सिंपल से यहाँ पे फंडा हो जाता है। आप चाहे तो पीएनजी वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बनता है। और देखिए सेव करने के लिए आपको क्या होता है, सेव का मतलब बहुत लोगों का पता नहीं सेव कैसा होता है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होता है ऊपर के साइड में, और ये वीडियो पर सेलेक्ट है, और यहाँ पर देखिए अपने से होने लगा यार, मैं कट कर दे रहा हूँ, और सॉरी। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। तो गाइज आई होप कि आज के वीडियो कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब देख लीजिए, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।